पांच महीने में कांग्रेस की सारी गारंटियां फेल हो गई। झूठे वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस से जनता इसकी 10 गारंटियों का हिसाब मांग रही है। ये लोग सत्ता में आने से पहले बोलते थे हम कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन लगभग 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा ये सरकार पिछले पांच महीनों में ले चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीरवार को शिमला नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जगह जगह सभाएं और रोड शो किए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिमला शहर में विकास के लिए फिर से भाजपा को जिताने की बात कही। अनुराग ठाकुर ने टूटू मजियाठ और समरहिल में जनसभा की। खलीनी कृष्णानगर और सिटी ओलवर बाजार में चुनाव प्रचार किया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ पांच महीने में ही इनकी गारंटियां फेल हो गई हैं। झूठे वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस से जनता इनकी 10 गारंटियों का हिसाब मांग रही है। ये लोग सत्ता में आने से पहले बोलते थे कि हम कर्ज नहीं देंगे, परंतु अब पिछले पांच महीनों में ही ये कांग्रेस सरकार 6,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं। खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। पांच महीने में कांग्रेस की सारी गारंटियां फेल हो गई। झूठे वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस से जनता इसकी 10 गारंटियों का हिसाब मांग रही है। ये लोग सत्ता में आने से पहले बोलते थे हम कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन लगभग 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा ये सरकार पिछले पांच महीनों में ले चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीरवार को शिमला नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जगह जगह सभाएं और रोड शो किए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिमला शहर में विकास के लिए फिर से भाजपा को जिताने की बात कही। अनुराग ठाकुर ने टूटू मजियाठ और समरहिल में जनसभा की। खलीनी कृष्णानगर और सिटी ओलवर बाजार में चुनाव प्रचार किया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ पांच महीने में ही इनकी गारंटियां फेल हो गई हैं। झूठे वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस से जनता इनकी 10 गारंटियों का हिसाब मांग रही है। ये लोग सत्ता में आने से पहले बोलते थे कि हम कर्ज नहीं लेंगे, परंतु अब पिछले पांच महीनों में ही ये कांग्रेस सरकार 6,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ। भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।